students, today we will read part 3, chapter 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. In this previous part, हमने देखा कि वो लोग एक बार डूब चुके हैं, narrator and his family and two other helper. और वो डूबने के बाद फिर से वो बच जाते हैं, और जब हमने last time देखा तो जो उसकी जो narrator की wife है वो ऊपर आती है और उन दोनों में conversation होता है. So let's start the video. Now we will continue our video. Narrator की वाइफ बोलती है कि we are sinking, हम लोग पूरी completely डूब चुके हैं और नीचे का जो पार्ट है वो smashed हो चुका है और वो पूरा full of water हो गया है. Take the wheel. अब narrator उस अपनी वाइफ को कहता है कि तुम wheel को संभालो. I shouted as I scrambled for the hatch. Scramble means move quickly for the hatch, जहाँ पे hatch means होता है an opening of the deck of a ship, उसमें नीचे जाने के लिए एक दरवाज़ा बना होता है जिसको hatch बोला जाता है. तो वो जल्दी से वहाँ से quickly move हो जाता है और नीचे चला जाता है. Larry and Hub were pumping like madmen. अब उनके साथ जो दो crewmen थे, helper थे, उनके नाम थे Larry and Hub. वो क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे लाइक ए मैडमैन. उस जो उनका सिप था उसमें से पानी निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर मीन्स वुड, जो वुड थी वो टूट चुकी थी. हंग एट क्रेजी एंगल्स, और ऐसे लटके हुए थे जो पूरे जो वुड वुड थी उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इधर उधर अलग अलग एंगल में लटके हुए थे. द होल स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड मीन्स कौन सी साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द बोट. बग्ड मीन्स सडन इंक्रीज्ड इन वर्ड्स. क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्स, टीन्स एंड टॉयस लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर. अब सब कुछ उनका पानी में बह गया था. क्लोथ्स से क्रोकरी और चार्ट्स और जो भी टॉय वगैरह थे सब कुछ पानी में बह गया था. आई हाफ स्विम, मैं थोड़ा तैर कर गया. हाफ क्रेवल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, और मैं थोड़ा सा रेंग कर गया अपने बच्चों के कैबिन में. आर यू ऑल राइट, और उनसे पूछा तुम सब ठीक हो. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. किसने पूछा, नैरेटर ने. यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. अब उन लोगों ने आंसर दिया कहाँ से, अपर बंक से. बंक होता है बिल्ट इन बेड ऑन ए शिप, शिप में एक बेड बना होता है जिसमें लेयर्स होती है, वहाँ से उन बच्चों ने आंसर किया. बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, सैड सुई. सुई कौन है, नैरेटर की वाइफ जो सुजैन, हमने पहले इसका फुल नेम पढ़ा था, वो बोलती कि मेरा जो सर है वो हार्ट हो गया है, उसमें दर्द हो रहा है. पॉइंटिंग टू ए बिग पंप अबोव हर आइज, और उसकी जो आइज थी उसके ऊपर स्वेलिंग आ रही थी. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड. अब नैरेटर कहता है कि मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि उस बच्चे को लगी है, बल्कि तुम्हारी लाइफ है वो सेव करनी है. नैरेटर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था. नेक्स्ट, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, उस एटलीस्ट उनको एक हैमर मिल गया, हथौड़ा मिल गया और स्क्रू मिल गए. एयर कैनवस होता है एक थिक क्लोथ, वो मिल गया. आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया डेक के बैक के ऊपर. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, बेस्ट बेस्ट मीन्स होता है डैमेज बाई हिटिंग, और वो जो जहाँ पे जो डैमेज पार्ट्स था उसको ओपन करके. वी वॉर टॉकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. और नैरेटर कहता है अगर हमने ये जो हमारा सिप टूटा हुआ है इसको अगर रिपेयर नहीं किया तो जो नेक्स्ट जो वेव आएंगी वो हमें श्योर हमें डुबो ही देंगी. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. अब जो होल हो गए थे उनकी शिप में, उन्होंने उसको जो जो कैनवस था जो थिक क्लोथ था उससे वहाँ पे पैचेज लगा दिए और उन होल को बंद कर दिया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. उस कुछ पानी था वो कंटिन्यू बह रहा था लेकिन थोड़ा पानी उसकी साइड की तरफ ही जा रहा था, शिप के अंदर नहीं आ रहा था. मोर प्रॉब्लम्स एक्रॉस वेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द
debris floating around the cabins and the electric pump short circuits circuited. अब मेन प्रॉब्लम उन लोगों के पास ये थी कि जो उनके पास दो पंप थे, एक तो हैंड पंप था जो ब्लॉक हो चुका था, डिब्रिज फ्लोटिंग डिब्रिज जो स्टोन वगैरह जो सी में जो भी गंदे वो मिलते हैं उनसे वो पंप ब्लॉक हो गया था, और दूसरा उनके पास इलेक्ट्रिक पंप था जो शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए दोनों ही पंप अब यहाँ पर उनके लिए यूजफुल नहीं थे, यूजलेस थे. द वाटर लेवल रोज थ्रेटेंटली. वाटर का जो लेवल था वो बहुत ही डरावना था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवर बोर्ड. अब उसको याद आया कि जो हमारे दो स्पेयर में जो पंप्स हैं वो और हैं डेक के ऊपर. अलोंग विद द फोस्टेज सेल्स द जिप द डिंगीज एंड द मेन एंकर. अब जैसे ही वो उनको देखने जाता है तो देखता है कि वो सब डूब चुके हैं, जो उनका फोर्स्टेज सेल था, जिप जो जैकेट्स थी, जो डिंगीज स्मॉल बोट्स थी, और जो उनका मेन एंकर था वो सब कुछ पानी के अंदर डूब चुका था. एंकर वो होता है जिससे पानी को पीछे फ्लो किया जाता है, जिसको पतवार भी कहा जाता है. देन आई रिमेम्बर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. अब नैरेटर को याद आता है कि हमारे पास एक और चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप है. आई कनेक्टेड इट टू ऑन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क्ड. अब उसने उसको कनेक्ट किया तो और उन्होंने थैंकफुल कहा कि रियली में ये वर्क कर रहा था, जो इलेक्ट्रिक पंप था वो सही था, वो वर्क कर रहा था. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्ट्रिंगिंग एंड वर्किंग द रेडियो. अब वो लगातार वर्क कर रहे थे और उन सिर्फ तीन ही वर्क कर रहे थे. कौन से? एक तो पंपिंग कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे, दूसरा स्टेयरिंग को संभाल रहे थे, और कंटिन्यू वो वर्किंग द रेडियो, रेडियो से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे हेल्प के लिए. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स मतलब होता है कि ये जब मुसीबत में फंस गए हैं तो अपने आप को बचाने के लिए ये हेल्प के लिए लगातार कॉल कर रहे थे. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था और ये कोई सरप्राइज वाली भी बात नहीं थी, क्योंकि ये थे ही ऐसी जगह में रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल. इट्स मीन्स ये इंडियन ओशियन सी में थे जहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है और इन लोगों के साथ संपर्क किसी का इन लोगों के साथ संपर्क करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. सुइज हैड स्वेलिंग अलार्मली. सुई जो सुजन थी उसका हेड था वो उसमें स्वेलिंग आ गई थी. सी हैड टू एनमोस ब्लैक आइज एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म. और उसकी आँखें हैं वहाँ पे भी वो आँखें ब्लैक हो गई थी और वो बताती है कि उसके जो आर्म है वहाँ पे भी एक डीप कट लगा हुआ है. वेन आई आस्क वाई शी हैड नॉट मेड मोर फॉर हर इंजुरीज बिफोर दिस. अब नरेटर से पूछता है कि मैंने जब तुम्हारे बारे में पूछा तब तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आम पे कट लगा है. शी रिप्लाइड आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. कि वो रिप्लाई करती है कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे. नाउ शी इज अ गुड गर्ल. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd द पंप्स हैड the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब टाइम कौन सा था? 3 जनवरी और मॉर्निंग का टाइम था. अब उस पंप ने इतना पानी तो बाहर निकाल दिया था कि वो लोग कम से कम 2 घंटे का रेस्ट कर सके इन रोटेशन. मतलब एक जन स्टेयरिंग को संभालेगा तो एक जन आराम कर सकता है कंटिन्यू 2 hours. बट वी स्टिल हैड ए tremendous leak. Tremendous means होता है very large leak somewhere below the water line and on checking I found that merely all the boats. अब वो लोगों ने क्या देखा सडनली कि इस बोट शिप में एक बहुत ही बड़ा लीक भी हो रहा है और वो चेक करते तो उनको मिलता है all the boats is main reframes were smashed down to the keel. उनका जो main reframe means होता है structure of the ship वो क्या हो गया है down to the keel. किल मीन्स होता है उलट जाना, वो उलट चुका है. इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार्ट बोट हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबोर्ड्स
पार्टीशंस, और वो लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पे कोई होल्डिंग अप नहीं है, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, और स्टार्ट बोर्ड जो है, स्टार्ट बोर्ड जो होल है शिप का, जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या हो गया है, उसके बहुत सारे पार्टीशन हो गए हैं। अब वो लोग ये चाहते हैं कि कोई भी वेव आए तो वो उस जो टूटे हुए पार्ट है वहाँ से न आकर जो शिप का जो बेस्ट पार्ट बचा हुआ है वहाँ से आए, ताकि वो उनका सामना कर सके। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब वेव हिट हो गया था उनका, इनका तूफान से सामना हो गए थे, उसके बाद भी 15 आवर्स तक वो सर्वाइव कर रहे थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट हॉल्ट टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। परंतु वेव वॉकर की अब ऐसी हालत हो गई थी कि उनको नहीं लगता था कि उनको ऑस्ट्रेलिया पहुँचाएंगी। आई चेक आवर चार्ट, मैंने अपना चार्ट चेक किया एंड कैलकुलेट दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। और वो उसमें चार्ट में क्या दिखा रहा था कि वहाँ से थोड़ी दूर पर फ्यू 100 किलोमीटर ईस्ट में दो छोटे आइलैंड हैं जहाँ पे उनको ज़मीन दिखेगी, और वो वहाँ पे अगर पहुँच जाए तो दे कैन सर्वाइव। वन ऑफ देम आई एम स्ट्रम, वहाँ पे आइलैंड का नाम है जो एक है आई एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। वहाँ पे फ्रेंच लोग हैं, वो अपने कोई साइंस से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। आवर ओनली होप वॉज टू रीच इज, हमारी एक ही होप है कि हम वहाँ पे पहुँच जाए, पिन प्रिंक्स इन द वेस्ट ओशियंस। वो पिन प्रिंक्स इन द वेस्ट ओशियंस मीन्स होता है वो बहुत ही छोटा है, लाइक ए पिन, जितनी पिन की जगह होती है उतना ही छोटा है वो आइलैंड। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चेंजेस वुड बी स्लिम इंडिड। अबेटेड मीन्स होता है टू डिक्रीज इन योर स्ट्रेंथ। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि अगर हम वो किस तरह से बच भी जाएं तो वो क्या करेंगे, अपना जो सेल का जो होस्ट है वो झंडा फहराएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजिन आउट ऑफ एक्शन। अब उनका क्या होता है, वो अब सेकेंड वेव के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। ऑन जनवरी 4th आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यू पम्पिंग, अब 4 जनवरी हो गई है और लगभग 36 आवर्स तक वो कंटिन्यू पम्पिंग करते रहते हैं। वी रीच्ड एज द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब वो पानी से कुछ ही सेंटीमीटर आगे निकले हैं। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब वो पानी उनकी तरफ आ ही रहा था। वी वुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट क्या होता है, जो लकड़ी का बोट शिप के ऊपर जो लगा रहता है, ऊपर तक जो जाता है वो मेन मास्ट होता है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, अब वो वहाँ पर इस मेन मास्ट तक को सेट नहीं कर पाए थे। प्रेशर्स ऑन द रेजिंग मीन्स होता है रोप वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स एंड वी ईट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। अब उन लोगों को कुछ साइन मिलते कि शायद वहाँ पे आइलैंड हो, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने आप को वो शो करते हैं, होस्टेड करते हैं। आई थॉट टू आइलैंड वर, उनका मानना है कि शायद वो आइलैंड हमें दिख जाए। यहाँ पे मैरी है, उसको कुछ कॉर्न बीफ मिल जाते हैं, कॉर्न बीफ मीट ऑफ काऊ एंड क्रैकर्स बिस्किट मिलते हैं, और ये फर्स्ट मील होता है उनको ऑलमोस्ट 2 डेज। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM, ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स एंड सी वर गेटिंग हायर। अब उनका ये जो आराम रहता है ये थोड़े टाइम के लिए होता है, लगभग 4 बजे का टाइम होता है, फिर से काले बादल आ जाते हैं और हवा है वो 40 नॉट्स की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा चलने लग जाती है, और सी फिर से बहुत ज़्यादा, समुद्र है वो हाई हो जाता है, मतलब अभी वेव्स फिर से आने स्टार्ट हो जाएंगी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरेक्ट, डेटोरेक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन, डॉन मीन्स मॉर्निंग। ऑन जनवरी 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, अब उनकी सिचुएशन, वेदर है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और उनकी सिचुएशन फिर से ख़राब हो जाती है। वेन आई वेंट इन ए कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई,
अब वो बच्चों का हाल चाल पूछने के लिए जाता है तो जोन पूछता है कि डैडी कि हम मरने वाले हैं जोन जोनाथन सन ऑफ नरेटर आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट बट डैडी ही वॉन्ट ऑन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी शुई एंड आई। अब वो बच्चा कहता है कि हम मर भले जाए लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता क्योंकि वी आर टुगेदर, जो हमारा स्टोरी का टाइटल है वो भी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ में मरते हैं तो। कौन कौन? आप, मम्मी और मेरी सिस्टर सुई और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विच टू रिस्पोंड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। अब मैं मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि मैं उस बच्चे के वर्ड्स के क्या रिस्पोंड करूँ, तो मैं उसके कैबिन से जल्दी से आया और सी से फाइट करने की तैयारी करने लगा। अब उसने ये डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे तो अब अपनी फैमिली को बचाना ही है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड आई डिसाइड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट मीन्स वो साइड जिसकी इसकी शिप की वो साइड जो डैमेज नहीं हुई थी, हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोविस्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइनो रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। अब नैरेटर ने जो उसकी जो बोट का सही पार्ट था उसको एक साइड किया और वो चाहता था कि जो वेव्स आए वो इसी साइड से आए ताकि जो ये जो डैमेज पार्ट है इस ये सामना ना कर पाने की वजह जो शिप का जो बेस्ट पार्ट है वो इन वेव्स का सामना करे, इसलिए उन्होंने अपकमिंग जो वेव्स थी उनसे बचने के लिए एक सी एंकर हैवी जो नाइलॉन रोप का बना हुआ था जो 22 लीटर प्लास्टिक बैरिफिन और पैराफिन से बना हुआ था। पैराफिन मतलब सॉफ्ट सब्सटेंस मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, ऐसा जैसे कि ना ऐसे किसी धातु से बना हुआ था। द इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। अब शाम का समय है, मैरी जो नैरेटर की वाइफ है और उन नैरेटर दोनों बैठे रहते हैं विद होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स मीन्स होता है जो बोट का जो जिसको तख्ता कहा जाता है उसके। अब वो दोनों बैठे रहते हैं और जो शिप है वो मोर एंड मोर वाटर शिप के अंदर आता जा रहा है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर। अब दोनों हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अब उनका एंड है वो नियर है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस पार्ट इज़ लेंदी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। So, read the story. Okay, thank you.